हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सी टेट मास्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एस सी एफ एल सी एम के क्वेश्चन। उससे पहले ही मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे हमारे संदीप सर ने कल सी डी पी की आपको प्रैक्टिस करवाई होगी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने वो क्लास देखी होगी। और इसके साथ ही हमारे आशीष सर ने कल इंग्लिश की और क्लास ली है ना, तो आप वो भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से उन्होंने इंग्लिश के बारे में बताया है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे जो एस सी एफ एल सी एम के क्वेश्चन हैं और आगे के जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में सी टेट में, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें ऐसे दिया है, 72 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4 एंड स्लैश। यहाँ पे क्या एक खाली जगह भरी हुई, मतलब खाली स्थान है जहाँ पे पूछा गया नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा, और वो नंबर कैसा होगा, 7 का गुणज होगा या 1 अभाज्य संख्या होगी या 10 से कम होगी या फिर, है ना, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हमें देखना है इनमें से कौन कौन से नंबर को फॉलो कर रहा है ना। ये ऑप्शन दिए हैं तो देखते हैं। यहाँ पे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, तब तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसमें से किस किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, 72 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4, है ना। तो यहाँ पे क्या है, खाली स्थान है। क्या है, खाली स्थान है, तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, एक एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, वाई मान लेता हूँ, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान है, एक्स जैसा लगेगा, वाई मान लेता हूँ। मैंने कहा कोई संख्या यहाँ पे वाई है, ठीक, तो मुझे वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं वाई की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, वाई इधर रहेगा, बाकी ये सारी चीजें दूसरी साइड चली जाएंगी। तो वाई इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। ये जो संख्याएं थी ये वाई के साथ मल्टीप्लाई में थी, दूसरी साइड गए तो कैसे डिवाइड में आ गई, ठीक है। बाकी वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, तो ये 36 2 72 एंड ये 4 7 28। तो देखिए यहाँ 2 यहाँ 7, तो कितना आ गया, 14 आ गया, कितना आ गया, 14। तो यानी कि जो खाली स्थान जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन कौन से हैं, देखता हूँ। सबसे पहले यहाँ दिया 7 का गुणज, 7 का गुणज यानी कि अगर मैं किसी नंबर का, किसी नेचुरल नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जो नंबर बनता है वो उसका गुणज बनता है या मल्टीपल बनता है। तो देखिए 7 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 14 बन जाएगा, तो यानी कि ये जो 14 है वो 7 का गुणज है, यानी कि 7 की टेबल में आता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया है, ए नंबर ये है, इस कंडीशन को ये और नंबर फॉलो कर रहा है, तो मैं लिख लूंगा ए तो है ही है, ठीक है, ए ऑप्शन, मतलब यहां जो दिया है 7 का गुणज वो नंबर ये है, तो लिख देता हूँ ए, ठीक है। इसके बाद बी देखता हूँ, बी में लिखा है एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर भी मैंने आपको बताया, जो आप जानते हैं अच्छे से, प्राइम नंबर 14 नहीं है, 14 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है ना। तो बी जो है वो नहीं है, बी है नहीं है ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है ये। फिर तीसरा क्या कहता है, 10 से कम, अब आप जानते हैं ये 14 है, 10 से कम तो है नहीं, तो ये जो सी नंबर लिखा हुआ ये भी गलत। उसका डी में क्या लिखा है, एक सम संख्या, एक सम संख्या, तो 14 एक सम संख्या है, तो डी जो है वो सही है। और फिर ई में देखते हैं 57 का गुणनखंड, 57 का गुणनखंड यानी 57 का फैक्टर, तो फैक्टर मतलब जो 56 को डिवाइड कर दे, जो 56 को डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर कहलाएंगे। जैसे 2 इसका फैक्टर होगा, है ना, 4 इसका फैक्टर होगा, इसी तरह से 14 भी इसका फैक्टर होगा, देखिए 4 टाइम्स में डिवाइड कर देगा, तो ये 40, ये क्या है, 56 का गुणनखंड भी है 14, है ना, तो ई नंबर भी फॉलो हो रहा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन कौन सी चीजें फॉलो कर रही हैं, देखिए ए डी बी, तो देखें ए डी बी क्या फॉलो कर रहा है, ए फॉलो कर रहा है, डी फॉलो कर रहा है, लेकिन बी बी फॉलो नहीं कर रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सी डी ई, तो सी देखिए सी फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो सी भी नहीं हो जाएगा। फिर ए डी बी कौन सा, ए डी बी, तो सॉरी ए डी ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए डी ई, तो ए डी ई, देखिए तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी नंबर ए डी ई, है ना। तो कुछ नहीं था सवाल में, इस तरह से बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया था, जबकि क्वेश्चन बहुत
सरल सा है, सिर्फ नंबर फाइंड करना है और इसमें देखना है कौन कौन सी चीजें हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो दिया गया है इसमें। हमारे क्वेश्चन जो है, मैं कौन सी संख्या हूँ, ऐसे ही ये जो सीटेट का है क्वेश्चन 2019 का, तो सीटेट में लगभग इस तरह से लैंग्वेज लिख के पूछता है क्वेश्चन। देखिएगा, पूछा गया मैं कौन सी संख्या हूँ, कहने का मतलब एक नंबर है जो इन नियमों को फॉलो कर रहा है और हमें बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो पहले लिखा है मैं दो अंकों की सम संख्या हूँ, मैं दो अंकों की दो डिजिट्स की सम संख्या इवन नंबर है। तो यहाँ पे तो सारे ही है ना, दो अंकों के सारे नंबर और सारे सम है, इवन है, तो पहली लाइन को तो सारे ही ऑप्शन ने फॉलो कर लिया। ठीक है, दूसरे पे देखता हूँ, मैं 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ। सार्वगुणज मतलब कॉमन मल्टीपल है ना, सार्वगुणज मतलब कॉमन मल्टीपल। तो 3, 4, 6 का अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 3, 4, 6 का एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 आ जाएगा। तो यानी कि जो नंबर होगा वो 12 से डिविजिबल होगा, 12 से डिविजिबल होगा, क्योंकि बोला है ना सार्वगुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अगर जो नंबर 12 से डिविजिबल होंगे वो इनसे भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो देखता हूँ मैं 12 से डिविजिबल कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो दूसरा नियम कह रहा है 3, 4, 6 का सार्वगुणज हूँ, तो ये नंबर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नंबर कट जाएगा। और 24 फॉलो कर रहा है, देखिए 12 का मल्टीपल 36 भी है, 48 भी है। ठीक है, तो इन तीनों ने इस नियम को फॉलो किया है और इस नियम को फॉलो ए नहीं, ऑप्शन ने नहीं किया, तो ये कट गया। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, कितने 9 गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, और मैंने नंबर्स ऑफ फैक्टर्स करने का तरीका आपको बताया है। तो मैं 24, 36 और 48 को देख लेता हूँ फैक्टराइज करके किसमें कितने आ रहे हैं, तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। 24 है ना, तो 2 6 12 10 2 3 6 3 1 3, तो इसके देखिए 2³ × 3^1 यानी कि 4 × 2 यानी कि 8। इसके नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 8। 24 के नंबर्स ऑफ फैक्टर 8 आ गए। ये चीजें मैंने सब आप लोगों को सबको बताई हुई है कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सीख ली होगी, अगर नहीं पता तो आप पिछली क्लासेस देख सकते हो, उनमें ये मैंने चीजें बहुत डिटेल से बताई है। ठीक है, तो ये 4 × 2 = 8, देन इसके 8 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोला गया 9 फैक्टर, तो बी भी खत्म। 36 जो 36 को चेक कर लेते हैं, तो 36 को चेक करते हैं जल्दी से, 18 9 3 3 9 3 1 3। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया, तो 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है ना, तो कितना 3 3 9, भाई इसमें भी 1 प्लस कर देते हैं, इसमें भी 1 प्लस कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर, देखिए 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9, तो सी नंबर सही है। ठीक है, 48 को चेक कर लेते हैं, देखना इसमें इसमें नंबर्स ऑफ फैक्टर्स 9 नहीं आ रहे होंगे, मैं चेक कर लेता हूँ जल्दी से। तो अगर मैं इसको 48 लिख देता हूँ यहाँ पे है ना, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 4 है ना, देखिए ऐसे ही तो होगा, और ये 4 तो 1, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 5 × 2 = 10, देखिए 48 में कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो सही ऑप्शन 36 है। तो ये करने का तरीका था, इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। बस आप ये ना देखें कि नंबर में ये कई लाइनें लिख दी हैं है ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो क्वेश्चन पढ़ें और देखें कि सर इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लाइनें लिख दी गई, तो छोड़ देते हैं। बट आप उन क्वेश्चन को पढ़ें और बहुत आसानी से देखें, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था जो कि हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जो लिखा हुआ है 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। तो ये चीजें मैंने कई बार आपको बताई है, सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब एलसीएम, इसका मतलब क्या है एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब है एलसीएम, और इसका मतलब क्या है सबसे बड़े सार्वगुणनखंड, इसका मतलब है एचसीएफ। ठीक है, इसका मतलब है एचसीएफ। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं,
36, 36, 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल, यानी कि एलसीएम पता करना है और एचसीएफ पता करना है, देन उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं। तो 30, 36, 42 का सबसे पहले एलसीएम पता करते हैं। तो एलसीएम पता करते हैं तो 30, 36 और 42, ठीक है। एलसीएम पता करने का तरीका ऐसे ही है, आप भी देख सकते हैं। तो 2, 15 है ना, 18 एंड 21, देन 2, 15, 9 एंड 21, ठीक है। देन 3, 3 5 जा 15, 3, 3 जा 9 एंड 3, 7 जा 21, उसके बाद 3, 5, 7, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, देन 7 1 जा 7। तो ये आ गया इसका एलसीएम, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 2 2 4, 3 12, 3 36, 36 × 5 × 7, ठीक है। तो आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, देन मल्टीप्लाई 5 एंड 7, ठीक है। तो 36 × 180 एंड 7, ठीक है, 1260 आ जाएगा एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया है। क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है, 1260 आ रहा है। फिर इसके बाद इन्हीं नंबर्स का क्या करना है, एचसीएफ करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे और वो भी हाईएस्ट नंबर हो उस, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सा नंबर इनको डिवाइड कर सकता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है 6 आएगा इसका, है ना, 6 क्या हो जाएगा इनका, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो आप निकाल के भी देखेंगे तो 6 ही आएगा, है ना। सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई बहुत डिटेल से, ठीक है। तो करने का तरीका आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो 30 को ऐसे आप डिवाइड करेंगे 36 को, है ना। तो 30 1 जा 30, देन 6 एंड 30, ठीक है, 6 5 जा 30, देखिए 0 आ गया यहाँ पे, तो 6 आ गया एचसीएफ, लेकिन किसका, 30 और 36 का। अभी 42 की बात नहीं करी है, 42 के लिए भी देख लेते हैं। अब 42 के लिए यहाँ 6 लिख लेंगे एंड 42, तो देखिए 6 7 जा 42, देखिए ये कट गया पूरा, तो 6 ही है तीनों का एचसीएफ, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आगे देखते हैं इसमें, तो एचसीएफ कितना आ गया है, 6 आ चुका है इन तीनों का, है ना। अभी बताया मैंने एचसीएफ जो आ गया है वो हमारा 6 आ चुका है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इनका गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो हम करके देख लेते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई एलसीएम हमारा 1260, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 6 6 जा 36 एंड 3 6 12 3 15 6 1 6 7, ठीक है, 7 5 6 0, 7 5 6 0 हमारा ये आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन है डी, ठीक है, 7560 या 7560 बोल सकते हैं इसे हम। तो इस तरह के क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछे गए जिसमें ऐसे बोल देता है एलसीएम निकालता है, फिर एचसीएफ निकलवाता है, फिर उनका यहाँ कह देगा इनको भाग देंगे तो क्या होगा, है ना, और डिवाइड करेंगे तो कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें एचसीएफ भी निकालना पड़ता है, एलसीएम भी निकालना पड़ता है, और उसके बाद जो बोलता है हम उस चीज को कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करने को बोला गया तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं, बस आप एचसीएफ एलसीएम निकाल दीजिए, उसके बाद वो कैलकुलेशन जो बोलता है वो आप कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल डिवाइडेड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। कहने का मतलब ये चीजें हमें दी गई, इनको सॉल्व करना है और फिर देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या कहा गया, 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, मतलब 7 के मल्टीपल्स, और वो भी ऐसे जो 21 और 49 के बीच आए, 21 और 49 के बीच आए, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये 21 और 49 के बीच 7 के गुणज, ठीक है।
तो देखते हैं, तो 21 और 21 7 के गुणज कौन कौन से होते हैं? 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28, 35, 42, 49 एंड 56। ये क्या है? 7 के गुणज हैं, ठीक है, और आगे तक भी हो सकते हैं ना ऐसे, और आगे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें मतलब नहीं उससे, ठीक है। हमसे क्या बोला गया? 21 और 49 के बीच, यानी कि 21 और 49 के बीच। देखिए 21 और 49 के बीच कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? ये देखिए 49 और 21 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 21 और 49 के बीच बोला है, ना कि इनको इंक्लूड करने का, ठीक है। तो 21 और 49 के बीच जो इसके 7 के मल्टीपल है, देखिए कौन कौन से हैं, 28 मल्टीप्लाई 30, सॉरी, इनका क्या कहा गया है? योगफल कहा गया है, इनका योगफल कहा गया, तो हमें इनको जोड़ देता हूँ, ठीक है। 35 और प्लस 42, तो देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 5, तो 105 आ गया। कितना आ गया? 105 आ गया। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल 105 आ गया, ठीक है। फिर कह रहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा सारू गुणनखंड, और ये क्या है? HCF है। क्या है? HCF है। किसका? 25 और 30 का। 25 और 30 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो आप भी जानते हैं इसका HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, तो 5 HCF हो जाएगा, ठीक है। HCF 5, और यहाँ पे डिवाइड का निशान है, देखिए मैंने भी डिवाइड का निशान बनाया ऐसे, और ये 5 है ना, ये जो चीज लिखी थी ये 5 है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। तो 21 हमारा डी ऑप्शन है, जो कि सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और लगभग जो इस तरह के क्वेश्चन थे, आपके सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, और जो कुछ क्वेश्चन बाकी हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते थे या बने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम कोई नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो आप टॉपिक पढ़ना चाहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हमारी कल नेक्स्ट क्लास में।